नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए नजर डालते हैं 14 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। न्यूयॉर्क में होने वाले चाकू के हमले में जख्मी होने वाला मलऊन मुसन्निफ सलमान रिश्ती की तबीयत में बेहतरी आई है और वेंटिलेटर से उतार दिया गया है। मलऊन मुसन्निफ सलमान रिश्ती 12 अगस्त को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक हमले में शदीद जख्मी होने पर सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। रिश्ती को वेंटिलेटर से बाहर आने के बाद गुफ्तगू के दौरान कुछ मिजाहिया जुमले भी कहते सुना गया। बर्तानिया में हजारों ख्वातीन की जानिब से कानूनी शिकायतों के बाद जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से जॉनसन बेबी पाउडर की बरतानवी मार्केटों में फरोख्त खत्म करने का ऐलान किया गया है। बर्तानिया की हजारों ख्वातीन की जानिब से जॉनसन बेबी पाउडर के खिलाफ शिकायत के बाद ये फैसला किया गया। ख्वातीन की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाउडर कैंसर का सबब बन सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है के सालों की तहकीक का यह प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज है, मगर गलत मालूमात की वजह से प्रोडक्ट के फरोख्त में कमी की वजह से कंपनी ने बेबी पाउडर मार्केटों से हटाने का फैसला किया है। चोरी की वारदातों की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, मगर अमेरिका में चोरों ने 45 सेकेंड्स में ज्वेलरी की दुकान लूटकर तमाम के होश उड़ा दिए। बताया जाता है कि 4 डाकुओं ने दिन की रोशनी में न्यूयॉर्क सिटी में एक जेवरात की दुकान पर डकैती करके उसके सेफ को तबाह कर दिया और जेवरात लूट लिए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की वारदात को देखा गया। वीडियो में दिखाया गया है कि तमाम चोर मास्क पहने हुए थे और उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा के जेवरात उड़ा लिए और फरार होने में सिर्फ 45 सेकेंड्स लगे। अमेरिकी पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी में मदद पर $3,500 का इनाम भी देने का ऐलान किया है। वाशिंगटन की जहाज में बतौर फ्लाइट अटेंडर काम करने वाली अमेरिकी खातून को उस वक्त मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा जब उसने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्टून पोस्ट किया था। लेवेंड्रा टेलर नामी खातून डेल्टा एयरलाइन में काम करती थी। उसने एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उसे मुलाजिमत से निकालकर उसके शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है। डेल्टा ने अमेरिकी शहरी के फेसबुक पर इस पोस्ट को नस्ल परस्ताना करार दिया है और ये भी जाहिर किया है कि ऐसा करना कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मबनी था। वजीरे खारिजा एसजे शंकर का कहना है कि अगर चीन सरहदी इलाकों में अमनो सुकून को खराब करने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। एसजे शंकर से जब हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं और ये नॉर्मल हो भी नहीं सकते क्योंकि सरहद पर सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। श्रीलंका ने हफ्ते के रोज चीनी बहरी जहाज को अपनी बंदरगाह में लंगर अंदाज होने की इजाजत दे दी। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जासूसी जहाज है। अपने मुकर्ररा वक्त के 5 दिन बाद यानी 16 अगस्त को उतरने वाला ये जहाज 11 अगस्त को पहुंचना था। हिंदुस्तान ने अपनी कौमी सलामती का हवाला देते हुए श्रीलंका के साथ इस पर तश्वीश का इजहार किया था। नेशनल हेडलाइंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। पार्टी के एक लीडर ने यह जानकारी दी। बताया जाता है कि श्रीनगर के बुजुर्ग एमपी फारूक अब्दुल्ला की हालत अब ठीक है और वो इस वक्त घर में आइसोलेशन में है। इससे कबल गुज़िश्ता साल अप्रैल में फारूक अब्दुल्ला की जांच में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी और वो कुछ दिन अस्पताल में दाखिल रहे। अब्दुल्ला के खानदान के दीगर अफराद भी तफ्तीशी रिपोर्ट आने तक
तन्हाई में रहेंगे। गुजरात में तिरंगा रैली के दौरान गाय के हमले में साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह बीजेपी की तिरंगा रैली में एक गाय बेकाबू घुसकर साबिक नायब वजीर आला पटेल को टक्कर मार दी। पटेल के घुटने में चोट लगी है और दायां घुटना जख्मी हो गया है। बीजेपी कारकुनों ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया। ये सारा वाकया कैमरे में कैद हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें 20 से 25 दिन आराम करने का मशवरा दिया है। हुब्बुल वतनी के नारे लगाने वाली बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने तिरंगा उल्टा पकड़ते हुए कौमी परचम की तौहीन की है। आज सोशल मीडिया में राजा सिंह की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के रुकन असेंबली को उल्टा कौमी परचम थामे देखा गया। इस पर अवाम अपनी अपनी राय का इजहार करते हुए तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक अवामी मुंतखब नुमाइंदे की जानिब से जो गलती की गई है वो सियासी हलकों में मौजूए बहस बनी हुई है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और दीगर ओहदेदारों ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले तस्वीर को हटा दिया है और उसकी जगह तिरंगा लगा दिया है। ये इकदाम कांग्रेस और अपोजिशन की तरफ से तिरंगे के तनाजुर में आरएसएस से मुसलसल पूछे सवालात के तनाजुर में देखा गया है। आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम से अपील की थी कि वो सोशल मीडिया पर अपना डीपी बदलकर उस पर तिरंगा लगाएं। वजीर आज़म की अपील को बड़ा इशू बनाते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा था कि हर घर तिरंगा मुहिम वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया। लेकिन मोहन भागवत और आरएसएस ने अपनी डीपी तिरंगा से बदलकर हर एक को हैरान कर दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को दोबारा कोरोना हो गया है। सोनिया गांधी को कोरोना के हवाले से कांग्रेस के एमपी और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने माइक्रो ब्लॉकिंग वेबसाइट पर लिखा है कि वो हुकूमत के बताए हुए कोरोना प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आइसोलेशन में ही रहेंगी। दूसरी जानिब सोनिया गांधी को कोरोना आने पर पार्टी की जानिब से खुसूसी पैगाम में अपनी खाइद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। ख्याल रहे कि सोनिया गांधी जून में भी कोरोना वायरस का शिकार हुई थी। माँ और बच्चे की सेहत पर खास तवज्जह रखते हुए हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में अगले महीने से केसीआर न्यूट्रिशनल किट्स का आगाज किया है। ये किट्स तमाम सरकारी दवाखानों में हामिला खवातीन को दी जाएंगी, खास तौर पर उन खवातीन को जो खून की कमी से मुतासिर हैं। उन्हें इस किट से काफ़ी मदद मिल सकती है। बताया जाता है कि जुमला 1.5 लाख खवातीन को इसका फ़ायदा होगा और हर किट पर हुकूमत को 2000 रुपयों का खर्च आएगा। सरकारी दवाखानों में चेकअप्स के मौके पर 2 मरतबा ये किट्स फराहम होंगे। स्टेट हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वो जल्दी बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई शक्ल देने के लिए नया ट्रैफिक प्लान नाफिज करेंगे। अवामी खिदमत के लिए बीएमटीसी की तरफ से मुनज्जम 75 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि बेंगलोर की आबादी बढ़ रही है और उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा बनाया जाएगा। बेंगलोर की आबादी 1.25 करोड़ है और गाड़ियों की तादाद अगले 3 सालों में आबादी से ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा बेंगलोर को हर तरह की आसान ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पूरी की जाएगी। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने वजीर आला पर तनकीद करते हुए कहा है कि बसवराज बोम्मई ने आज़ादी के इश्तहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर उनका नाम ना डालकर उनकी तौहीन के लिए रियासत के अवाम से माफ़ी मांगे। पंडित नेहरू को जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने पर जेल भेज दिया गया था, मगर उनके नाम को फरामोश करके तुम्हें इतना नीचे नहीं झुकना चाहिए।
सिद्धारामैया ने कहा कि आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू से एलर्जी है, जिन्होंने गांधी के कत्ल के बाद फिरकावाराना सियासत की मुखालिफत की और रियासती हुकूमत के इश्तिहार में आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों की फहरिस्त में आपको सिर्फ एक ही शख्स का तस्करा करने को मिला है और वो बुजदिल वीडी सावरकर था, जिसने जेल से रिहाई के लिए अंग्रेजों से मुआफ़ी मांगी। केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुल्क के लिए नेहरू की जद्दोजहद आज़ादी के तावुन को कोई भूल नहीं सकता। रियासती हुकूमत का जद्दोजहद आज़ादी के इश्तहार की तस्वीर में नेहरू को ना लगाना बिल्कुल गलत है और रियासती हुकूमत तारीख को मस्क करने की कोशिश कर रही है। डीके शिव कुमार ने इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुजाहिदीन आज़ादी के साथ टीपू सुल्तान का कटआउट भी नसब किया था। जिन शरपसंदों ने तोड़ फोड़ मचाई है, उन अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नाजरीन, मुल्क की आज़ादी के लिए जहां तमाम मजाहिब के लोगों की काविशें शामिल हैं, वहां खुसूसन मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जितना खून बहाया, उतना तो दूसरे मजाहिब के लोगों ने पसीना तक भी नहीं बहाया। आज़ादी के अव्वलीन मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की इस कदर कुर्बानियों के बावजूद शरपसंदों को हजरत टीपू का नाम क्यों हजम नहीं होता, ये बेहद तशवीशनाक बात है। कल रात शहर के बीबीएमपी सर्कल के पास दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के कटआउट्स थे, वहीं हजरत टीपू सुल्तान शहीद के कटआउट को फाड़ कुछ शरपसंदों ने आसमान को देखकर थूकने का काम किया है। अलगरज पुनीत करेहल्डी को गिरफ्तार कर लिए जाने की इत्तला है और वो चार अफराद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इत्तलात भी मौसूल हुई हैं जो एक नाम निहाद तंजीम के नाम पर खुद को लीडर साबित करने की कोशिश करता है। मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी के नामों को फरामोश करने के खिलाफ एक तहरीक के तौर पर शहर की मारूफ कॉलेज शाहीन फाल्कोन ग्रुप की जानिब से मुल्क भर में नुमाइश का एहतमाम किया गया है। फाल्कोन के डायरेक्टर अब्दुल सुभान ने मिल्लत से अपील की है कि दो दिनों की इस नुमाइश में एक मरतबा ज़रूर बेज़रूर हाजिर हों और मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से खुद को वाकिफ कराने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखेंगे तो सादिक अली साहब का नाम यहाँ पर ऑलरेडी है और उनकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे है। अभी एमएलए शिवाजी नगर यहाँ पे इनाग्रेशन के टाइम आए थे, वो बोले कि इतने नाम तो मैं सोचा नहीं इतने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ये, और किसी से भी हर कोई जो यहाँ पे आते हैं देखते हैं और बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं था, ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं इतने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को। ये हमारी कोशिश ये है और आप तमाम से मुअद्दबाना मेरी अपील ये है कि ये छोटी सी कोशिश है, इसको आप कामयाब बनाइए। ये द ओनली वे वी कैन मेक इट सक्सेसफुल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जवान नस्ल इस गैलरी में आएँ, देखें, सीखें, मालूमात हासिल करें और ख़ुद अपने तौर पे इसके नोट्स बनाएं, अपने पास रखें, क्योंकि और इसको हमेशा साल दर साल इसको इंशाल्लाह और इम्प्रोवाइज़ करता किया जाएगा और ये बच्चों तक ये मैसेज को अगेन एंड अगेन हर साल देने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। शहर के सुलगते हुए मसाइल पर बेबाक राय कायम करने वाली शहर की मारूफ शख्सियत मोहतरम आलम पाशा ने आज अमानत बैंक के शेयर होल्डर से एक मुशावरती इजलास का इनाकात किया और अमानत बैंक के मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक मुख्तलिफ मशवरों पर गुफ्तो शनीद हुई। शहर के बैतुल माल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शहर के कोने कोने से मुख्तलिफ समाजी कारकुनों की शिरकत रही। चलिए जानते हैं कुछ एहसासात मोहतरम आलम पाशा के। आज जो लोग आए मेरे भी ख्याल के बाहर है, इतने लोग आए, इतने लोगों की हमारे बुजुर्ग लोग हैं। बात सिर्फ ये है कि अमानत बैंक का इलेक्शन में रहमान खान साहब की बहुत बड़ी कोशिश थी। मैं बोल रहा हूँ ना, इनू भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी पूरी जिंदगी इसमें गुजार के बैंक बनाई थे और बैंक शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला। मुझे उसमें कोई चीज़ नहीं है, मैं कभी भी क्या भी उनके खिलाफ बोला रहा तो भी ये मीटिंग्स है, हमें उनके सामने हमें माफ़ी चाहने का लायक भी हूँ, मैं करता हूँ। मगर जो बोर्ड आया है अभी,
ये बोर्ड में जितने लोग आए हैं इसमें 20% के पैसे इनको जाना है, जो 20% का पैसा गया तो बैंक दिवाला हो जाती है, शेड्यूल स्टेटस छोड़ती है ये। तो ये तमाम चीज़ों को पूरे मिलके ये कमेटी, अब हमारे भाई पूरे आए, ये कमेटी बनाएंगे, ये कमेटी उनके सामने रखेंगे भी कि भाई आपका फ्यूचर मुद्दा क्या होगा। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।